मुझे पसंद है कि मैं आपसे मिलूं और बाइबल के द्वारा आपसे आमने सामने दिल की बातें करूं। और ठीक ये वैसे ही है जैसे शिष्यों ने यीशु से पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना आपका हक है, प्रार्थना करने से आप पुनः शक्ति प्राप्त करते हैं, प्रार्थना से आप आत्मिक बल प्राप्त करते हैं। पौलुस ने कहा कि मैं कैसी शक्ति को जानता हूँ कि जो मेरे अंदर के मनुष्यत्व को शक्ति प्रदान करती है, पर कैसे वह जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, पर कैसे परमेश्वर के साथ प्रतिदिन संगति के साथ जो आपको निरंतर बल देती रहती है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं यशाया अध्याय 40 की आयत 28 को, जिसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। देखिए मैं और आप, हम जैसे कितने भाई बहन बल और शक्ति खो चुके हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर यहाँ आगे और क्या कहता है, तरुण तो थकेंगे और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, आगे परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। देखिए वचन यहाँ हमसे सीधे सीधे क्या कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर में समाहित ऐसा अतुलित बल प्राप्त करते हो। और यहाँ वचन 31 में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, ना आप रुकोगे ना आप कभी थकोगे, ऐसा महान बल आप प्राप्त करोगे जब परमेश्वर में जुड़े रहोगे। तो जहाँ आप वहाँ परमेश्वर की शक्ति, ये वचन यही सिखाता है, तब वह थके हुओं को बल दे देता है। जी हाँ, थके हुओं को बल मिल जाता है, शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से, परमेश्वर कहता है दोनों। तो आप समझ गए कि प्रार्थना का अभाव एक बीमारी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रार्थना के अभाव से आप परमेश्वर की निरंतर संगति से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर में छुपना प्रार्थना कहलाता है और परमेश्वर से दूर छुपना प्रार्थना का अभाव कहलाता है। फिर आप जानते हो कि आदम हवा के जीवन में प्रार्थना का अभाव आ गया था, परमेश्वर से वो पाप के कारण दूर हो गए थे। जी हाँ, प्रार्थना का अभाव ही पाप का कारण बना ये समस्या है। देखिए हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं अगर यदि, और इस बीमारी पर जो कि भयंकर है से हम छुटकारा भी पा सकते हैं यदि हम प्रभु से निरंतर प्रार्थना में जुड़े रहें। यह हम पर निर्भर है कि हम शरीर से कहें शरीर हमारे कब्जे में रहे, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 9 उसका आयत 27 में पौलुस कहता है कि मैं अपने इस देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ कि कहीं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा न ठहरूं। जी हाँ, अपने इस हारे हुए नश्वर शरीर को पौलुस किसी न किसी तरह से जीत कर वश में लाता है, काबू पाता है। मैं अपने शरीर को किसी न किसी तरह से वश में लाता हूँ, यह मुझ पर हावी होता है और मुझे इस पर काबू पाना है। तो इस तरह हम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध लड़ते हैं, हम स्वयं से लड़ते हैं। यदि प्रार्थना न करें तो हम हार जाएंगे। पिछली बार हमने क्या सीखा था, अय्यूब के अध्याय 21 से, जो कि बहुत विचित्र और डराने वाला था, कि प्रार्थना ना करने से जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं रहता, रोशनी खो जाती है, परमेश्वर की दया और करुणा नहीं बनी रहती है, हम पर और हमारे चाहने वालों पर से परमेश्वर का दया भरा हाथ हट जाता है। आज मैं आपको प्रार्थना के 3 आयाम बताना चाहता हूँ कि कैसे प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और कमजोरी पर जीत हासिल कर सकें, जो परमेश्वर की आपके लिए योजना है उसे कैसे पूरा कर सके, क्योंकि भविष्यवक्ता यहेजकेल भी ऐसा कहता है कि क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है और अब हम इसे एक सेकंड में प्राप्त करेंगे। अब जो मैं यशाया अध्याय 27 से बताना चाहता हूँ ये वही है जिसकी हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और याद रहे यीशु ने कहा है कि प्रतिदिन का संपर्क प्रतिदिन की रोटी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को समय नहीं देते हैं तो देखिए बहुत सारे माध्यम होते हैं जो बैटरी से चलते हैं और
बैटरी को चार्ज होने की आवश्यकता होती है। जब आपके फ़ोन की बैटरी कम होने लगती है तब आप उसको तुरंत चार्ज करने लगते हैं। आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं प्रतिदिन अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज करता हूं, मुझे एक घंटे का समय लगता है। आपके आत्मिक जीवन रूपी बैटरी के बारे में सोचे जरा, उसे कितना समय चाहिए। मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं कि मुझे चार्ज होने के लिए कम से कम दो हफ्तों का समय चाहिए। यदि आप फिर से समस्त बल और क्षमता चाहते हैं तो कम से कम 2 हफ्तों की प्रार्थना द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना को अनदेखा करते हैं तो क्षमता और बल खोना शुरू कर देते हैं। तो आपको निरंतर प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा यदि क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं। तो इस सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है कि यहोवा की बाट जोहना यानी इंतजार करना 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में नहीं होता है। आपको इंतजार करना जारी रखना पड़ता है। लगातार प्रार्थना करना ही प्रेरित पौलुस के कहने का अर्थ है कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। हार मत मानो, रुको नहीं। अगर आप हार मान लेते हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है और शत्रु तुम्हारे विरुद्ध बल प्राप्त कर लेता है। यह याद रखना जरूरी है कि आप जब शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हो और फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हो तो वह फिर आपके विरुद्ध बल प्राप्त कर लेता है और आप कमज़ोर पड़ जाते हो। यशायाह अध्याय 40 में यही बात कही गई है कि वह जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाब के समान उड़ेंगे, जिसका अर्थ है कि आपका सामर्थ्य वापस आ गया है, आप ऊंची उड़ान भरेंगे, क्योंकि उकाब का अर्थ है पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर होना। और जब जब हवा प्रबल होती है और आप प्रभु में, तो लिखा है कि वह दौड़ेंगे। इसलिए प्रार्थना और आराधना के द्वारा आप जगत के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जा सकते हैं। अब आप परमेश्वर के साथ होकर दौड़ने लगते हो, चलने लगते हो, वह दौड़ेंगे और चलते रहेंगे। शरीर में नहीं पर आत्मा में हम चलने से पहले दौड़ते हैं। जी हाँ, आप चलने से पहले दौड़ते हो। आत्मा में आप चलने से पहले दौड़ते रहोगे। आप दौड़ते हो क्योंकि आप पाना चाहते हो। प्रार्थना का अभाव आपको पाने से रोकता है। प्रार्थना का अभाव आपको आपकी मंजिल से दूर कर देता है और आपको गड्ढे में गिरता है। तो जब आपको अमोल्य की पकड़ लेते हैं, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि अमोल्य की इसराइलियों के पीछे पड़े थे, वो उन्हें बीमार कर देते थे, और जो बादल का अनुसरण नहीं करते थे उन्हें अमोल्य की मार देते थे। जी हाँ, मार देते थे। तो मुझे और आपको अच्छी तरह प्रार्थना के बादल के नीचे रहना है। ये प्रार्थना ही है जो आपको परमेश्वर के साथ सही जगह बादल के नीचे रखती है। अगर मैंने कहा कि वह दौड़ेंगे और कुछ भी प्राप्त कर लेंगे, वह चलेंगे, इसका मतलब है कि उनकी संगति परमेश्वर के साथ है। और निरंतर प्रार्थना का ये मतलब है कि आप अच्छी तरह से सांस ले पा रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो, शरीर को बाहर छोड़ रहे हो और आत्मा को आप अपने अंदर ले रहे हो। मैं फिर से कहता हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करते हो, आप शरीर को और आत्मा को अंदर ले लेते हो। इस प्रकार आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। आपको रिचार्ज होने के लिए 100% बैटरी पूरी करनी होती है। जी हाँ, 2 हफ्तों का समय इसीलिए ही लगता है कि आप प्रार्थना निरंतर करते रहो। तो आप जब सही रीति से परमेश्वर के साथ संगति में हो, तो मेरे पसंदीदा यशायाह अध्याय 27 के आयत 5 में इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा है, या मेरे साथ मेल करने को वह मेरी शरण ले, वह मेरे साथ मेल कर ले। वाह, कितना प्यारा वचन है, मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ परमेश्वर की संगति ही आपको आनंद, शांति और रक्षा दे सकती है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा और उदाहरण है भजन संहिता 3 का, आपने शायद पढ़ा होगा, जिसमें एक स्थिति लिखी है। ये स्थिति आप मेरे किसी के भी साथ हो सकती है। हम शत्रुओं से, परिस्थितियों से, दुख से घिर सकते हैं। भजन संहिता 3:1 में यहोवा से दाऊद गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता है, क्योंकि दाऊद बेचैन है, कुल मुलाया हुआ है, कोई बचाव, कोई तरीका उसे नहीं सूझता। तो भजन संहिता 3:1 में दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। देखिए, यहाँ पर असंख्य दुख है। 2:2 कहता है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। 3:3 में कहता है, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। और 4:4 में कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। इसके बाद दाऊद के अंदर शांति आ जाती है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। 6:6 में लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं रहता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं।
पहली आयत में वो कितना डरा हुआ था, दूसरी आयत में उसे छुटकारा मिल गया। जी हाँ, जब आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो यकीन मानो चारों तरफ से शत्रु बैरी आपको देख के भाग खड़े होते हैं, टिक नहीं पाते। मेरा एक और पसंदीदा वचन है, जी हाँ, भजन संहिता अध्याय 56:9, जिसमें लिखा है, जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरी शत्रु उलट फिरेंगे, यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। भाई, डरते क्यों हो, क्यों चिंता करते हो? प्रार्थना हर सवाल का जवाब है, प्रार्थना ही उत्तर है। भजन संहिता 56:9 एक बार फिर से पढ़ेंगे, जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है, बिल्कुल मेरी ओर है। तीन तरह के प्रार्थना के आयाम मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। मत्ती की पुस्तक से कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें कैसे मांगना चाहिए ये सिखाया है, और हमें यही चाहिए। मैं चाहता हूँ आप और आपके प्रियजनों को इसको जानना चाहिए, जिससे आपको और अधिक मदद प्राप्त हो। मत्ती अध्याय 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हाँ, तीन तरह के प्रार्थना के आयाम। हम विनती अर्चना के साथ शुरू करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम पुराने नियम में पाते हैं, जब मूसा ने तंबू बनाया और वहाँ तीन खंड स्थापित किए, जिसमें एक खंड पवित्रों के पवित्र परमेश्वर का था, एक खंड बलिदान के लिए था, जहाँ पर हमारे सवाल होते हैं और हमारी विनतियों की एक सूची होती है जो हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं। पर साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये वही स्थान है जहां शत्रु हम पर आक्रमण करता है, जैसे अब्राहम के ऊपर किया था। हम थक जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जो कहता है कि आमीन बोलो और समाप्त करो, पर नहीं नहीं हमको रुकना है। जब आप रुकोगे तब आपका छुटकारा होगा और आप पवित्र स्थान में शुद्ध किए जाओगे। यह प्रार्थना का दूसरा आयाम है, जब आप परमेश्वर को खोजते हो। जी हाँ, हमको रुकना है, ठहरना है और परमेश्वर को वहाँ खोजना है। हमें दादा बाबाओं को नहीं खोजना है, हमको यीशु मसीह को खोजना है। और मांगो जो तुम्हें चाहिए वो सब मांगो, अपनी बातें सामने रखो, खोजो। खोजने शब्द का भी एक तात्पर्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में बताता है, वह नहीं खोजो जो संसार खोजता है, जैसे चिन्ह चमत्कार। हमको प्रभु यीशु मसीह को खोजना है। जीवन में बदलाव के आप स्वयं ही खुद गवाह होंगे। जैसे आयुब 5 कहता है कि आपके शब्द कम पड़ जाएंगे। जैसे ही शब्द कम पड़ जाते हैं, आपको वास्तविकता का पता चल जाता है। पहले की तरह नहीं है, अब जो है सब वास्तविक है। जैसी वास्तविकता दिल में आती है, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप प्रभु को दंडवत करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और फिर आपका अपने पर वश नहीं रहता। अपने आप को आप प्रभु से प्रेम करने से और प्रार्थना करने से नहीं रोक पाते हैं किसी भी तरह। अब मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना का दूसरा राउंड जो है, खटखटाना। कहाँ खटखटाना है, किसके यहाँ खटखटाना? हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वार पर जाकर खटखटाना है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वार पर जाकर आपको खटखटाना है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि खटखटाओ, तो वह कहते हैं कि दरवाजे पर नहीं, मेरे दिल पर आकर दस्तक दो। जब आप आत्मा में होते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हो। आत्मा में होकर आपको पता चल जाता है कि द्वार और मार्ग वास्तविक क्या है। जब आप आत्मा में होते हो तो आपका शरीर मर जाता है, क्योंकि लिखा है, आत्मा में होकर शरीर की अभिलाषा को मार डालो। जैसे ही आप थर्ड राउंड पर आते हैं, आपको घंटों घंटों का समय लगता है, तो आपको समय देना होगा। यही महत्वपूर्ण काम है, यही कीमत है जो हमको चुकानी है, क्योंकि प्रभु से कोई भी 5 मिनट में नहीं जुड़ सकता। ये सब कुछ असंभव है। मान लीजिए ये बिल्कुल वैसे है कि एक मानचित्र है और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो बिना पहला स्थान बलिदान के आप दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। ये एक असंभव प्रक्रिया है। यही लागू होता है कि यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया गया था, और बिल्कुल वैसे जैसे तंबू के बाहर आप बलिदान करने जाते हो और अपनी मन्नतें वहाँ पर रखते हो, तो बलिदान यहाँ आवश्यक होता। बलिदान की बहुत ही अहमियत है।
और वेदी पर आकर किस तरह मांगना चाहिए। हमें इस तरह मांगना चाहिए कि परमेश्वर ये आपने वचन में कहा है, ये नहीं मेरी फैमिली को परमेश्वर बचा लो, बल्कि ये परमेश्वर ये आपका वचन है जो पवित्र शास्त्र के द्वारा हम तक पहुँचा, ये वादे आपके हैं, आपने ऐसा कहा है। ये बिल्कुल असंभव है कि बिना बलिदान के आप वेदी पर आओ। जी हाँ, बिना बलिदान के आप वेदी पर नहीं आ सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू बलिदान के रूप में बहाया गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये पहले राउंड की प्रक्रिया है। आपको वेदी के पास आना है, आपको पवित्र लहू से धुलकर शुद्ध होना और फिर वचन के द्वारा क्लेम करना है कि परमेश्वर आपने वचन से ऐसा कहा है, ये कहा है। अब हम दूसरे राउंड में आते हैं। दूसरे राउंड में हम क्या पाते हैं? आपके बाईं तरफ दीवट रखा है और दाईं तरफ जीवन की रोटी और सामने पवित्र यीशु मसीह का लहू। बाईं तरफ आप बहुत से परमेश्वर को खोजते आए हैं और दाईं तरफ अपनी शांति और जीवन की रोटी को देख रहे हैं, लेकिन अब आपको यीशु मसीह के इस पास आना है और यीशु मसीह का द्वार आपको खटखटाना है। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा भर कर आप एकदम शांति का अनुभव महसूस करते हैं। परम शांति और आनंद आपके जीवन में वास करता है। और उसके बाद होता क्या है, आप फिर से अपने आप बल प्राप्त करना शुरू करते, तो आपके अंदर शक्ति आना शुरू होती है और आपकी चारों ओर खुशियाँ और चारों ओर प्रकाश छा जाता है। और जब कभी ऐसा होता है तो अद्भुत घटना घटती है। यहेशकेल में लिखा है और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहेशकेल 22 के अध्याय में ऐसा लिखा है। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से मसीह भाई बहन इस महत्वपूर्ण विषय को नहीं समझते। उन्हें बस आमीन बोलकर प्रार्थना समाप्त करने की जल्दी होती है और बिना पवित्र वेदी पर आए हुए आमीन कह के वे लोग चले जाते हैं। ठीक है, उन्होंने परमेश्वर से कुछ तो बातें की, उन्हें यीशु को खोजना है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी संगति में आए ताकि देश देश राज्य राज्य और घर परिवारों को लाभ मिल सके। जब आप परमेश्वर की उस संगति में आते हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। देखिए कितना प्यारा वचन है यहेजकेल 22 अध्याय उसका 30 वचन। और मैंने ऐसा मनुष्य ढूँढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। परमेश्वर को आपका संपूर्ण समर्पण चाहिए ताकि वह परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। वह आपको इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करके राष्ट्र राष्ट्र को प्रभावित करना चाहता है। दुनिया बदलने के लिए हजार की, सौ की, जवान की, खूबसूरत की, बलशाली की, बुद्धिमान की, अमीर की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत आपकी और आपके संपूर्ण प्रेममयी समर्पण की है। वो आप में समाना चाहता है ताकि प्रभु आपके अंदर आ सके। प्रभु ढूंढता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु ढूंढता है कि कौन है मेरा खोजी, कौन कीमत चुकाना चाहता, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आना चाहता है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वो काबू के समान उड़ते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हैं, वो दौड़ते हैं चलने से पहले, और इससे बढ़कर शांति आपके अंदर आती है। आप शांति के साथ प्रभु में लीन हो जाते हैं, प्रभु के साथ साथ आप एक हो जाते हैं। तभी ये वचन कहता है कि वह दौड़ेंगे। जब बल प्राप्त हो गया है तो अब आप सामर्थ्य प्राप्त भी कर लेते हैं। तब परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तब यहेजकेल 22 के 31 में क्या कहता है, इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपने जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर की वाणी न सुनने का क्या परिणाम हो सकता है। परमेश्वर का कोप उन पर भड़केगा, वह नहीं जानते। लेकिन जब आप प्रभु में चलते हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि प्रभु आपके द्वारा कैसे कैसे जगत में असंभव दिखने वाले कार्य कर सकता है। जब आप प्रार्थना के इस प्रकार के अनुभव में आते हैं तो वचन भी कहता है कि ऐसे स्वर्ग की नींवें भी ढीली पड़ जाती हैं जब यह अनुभव आपके जीवन में आता है। अगर आप इस प्रकार के प्रार्थना का इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वर्ग की शक्तियों को बदल दें, स्वर्ग की योजनाओं को बदल दें, स्वर्ग के शासन को बदल दें जब आप इस प्रकार के अनुभव में आते हैं। सामर्थ को भी परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति अपवित्र या पवित्र किस प्रकार का कार्य कर रहा है, क्योंकि लालच के तहत, लालच के लिए लोग सामर्थ प्राप्त कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं गलत चीज़ों के लिए, लेकिन प्रभु इसकी मनाही करता है। प्रभु कहता है इसका इस्तेमाल सही के लिए करो। यही इसके अध्याय
इस आयत कहता है, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं। देखिए, ये सब परमेश्वर तय करते हैं, आप नहीं। आपकी मात्र इसमें सिर्फ रजामंदी ही होती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की इच्छा है कि आपको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक चंगाई दे। परमेश्वर की इच्छा है आपको सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाए और सारे विघ्न को दूर करे। ये एग्रीमेंट किसी कोर्ट में नहीं तय होता है, न ही पवित्र जगह पे। ये एग्रीमेंट केवल और केवल आप और पवित्रों के पवित्र परमेश्वर के बीच ही होता है। एक अनुभव आपके जीवन में आता है कि आप प्रार्थना सम्राट बन जाते हो। बिना प्रार्थना के आप सम्राट नहीं बन सकते। क्या आपको याद है रोमियो अध्याय 8 का आयत 26, जिसमें पवित्र आत्मा के बारे में बात की गई है, जो हमारी कमजोरियों के विषय में बातें करता है, जिसे हमें अपने ऊपर अधिकार देना चाहिए। आत्मा में होकर प्रार्थना करना एक सम्राट बनने से कहीं बढ़कर है। आप पहले सम्राट नहीं बन सकते जब तक कि आप शुरुआत प्रार्थना के साथ ना करो तो। और प्रकाशित वाक्य का अध्याय 2 का आयत 26 इसी विषय पर बात करता है कि विजयी होना प्रार्थना का परिणाम होता है। केवल प्रार्थना से ही सामर्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। आदम ने परमेश्वर का सामर्थ्य खो दिया जब उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मेरा मतलब है कि परमेश्वर ने उसे कायनात पर अधिकार दिया, पर जब वो परमेश्वर से छिप गया तो उसने सब कुछ एक बार में खो दिया और जगत में पाप आ गया। अब इसका तात्पर्य यह है कि प्रार्थना का अभाव आपके अधिकार और सामर्थ्य को नष्ट कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्ट बात लूका सुसमाचार में की। उसने कहा, प्रार्थना करो, अपने चेलों से कहा प्रार्थना करो, लूक के अध्याय 10 के आयत 2 और 19 में। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। और इसके बाद 19 वचन में कहता है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तो सामर्थ्य और प्रार्थना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इससे अब पता चलता है कि आप बिना प्रार्थना के परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं आपसे काफ़ी बातें करना चाहता था। मैं आपसे प्रेयर और फास्टिंग के बारे में बातें करना चाहता था। और आशा है कि आगे भविष्य में मैं आपसे और बातें करूँगा। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। Let's believe God that your prayer life will just explode with power. Let's believe God that your strength will be renewed. Like this. In the name of Jesus, Lord, we come in agreement. I pray, Lord, that you'll give them that mighty, holy desire. Give that one watching, Lord, today, that mighty desire to seek you with all their hearts and find you. Dear Jesus, you said, come unto me, I'll give you rest. You said, if we seek you with all our hearts, we'll find you and find liberty in you. Grant it today that by the anointing of the Holy Spirit, this mighty hunger will be born for prayer. In Jesus' mighty name we pray today. Amen, amen, amen. And Father, I pray for those in need of healing right now. Heal every person, I pray. Bring healing to their body, to their home and life. I rebuke every sickness in the name of Jesus. Lord, remove that disease, that pain today in Jesus' name. Amen, amen, amen. Thank you again for being my partner and friend. And remember, seek the Lord with all your heart. You will find Him, and in Him you will find your liberty. Bye-bye.